नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल हांसी की आवाज से फिर एक बार आपसे मुखातिब हूँ कि प्रदेश में चुनाव की रणभेरी बच चुकी है और हांसी हल्के से आदरणीय विनोद भ्याना जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। आप अथॉरिटी लेटर भी ले आए हैं, आपने अपने कार्यालय का भी उद्घाटन कर लिया है और कल नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जा रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि चुनावी रणनीति क्या तय की है और आप कैसा महसूस कर रहे हैं चुनाव के दौरान। एक सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जो दोबारा यानी कि प्रचंड बहुमत में आई है देश के अंदर और प्रदेश में, क्या दोबारा भारतीय जनता पार्टी रिटेन करेगी? आइए इनसे जानते हैं, विनोद भ्याना जी से, कि जो भारतीय जनता पार्टी के एक यशस्वी प्रत्याशी के रूप में यहाँ आए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार राजीव जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हांसी की आवाज चैनल पर। धन्यवाद जी। आप अथॉरिटी लेटर ले आए? ले आए। आपने कार्यालय का उद्घाटन कर लिया? कर लिया जी। कल नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं? करने जा रहा हूँ जी। चुनाव में कैसा महसूस कर रहे हैं? आपने अब तक पांचवा चुनाव ये लड़ने जा रहे हैं, चार चुनाव पहले भी लड़ चुके हैं। आप एक सीजन पॉलिटिशियंस के रूप में विरोधियों को भी आपने आईना दिखाना है, अपने रूठे हुए साथियों को भी साथ लेकर चलना है, ये सारी स्किल आपके अंदर है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं स्टार्ट में? चुनाव तो अभी शुरू होना है, कल नॉमिनेशन फाइल होगी, उसके बाद स्क्रूटनी होगी, उसके बाद फिर यानी कि आपके विरोधी भी मैदान में आएंगे जिन के साथ आपका कंटेक्ट। मैं राजीव जी पांचवा चुनाव लड़ रहा हूँ। पिछले चार चुनाव में चुनाव जीता चाहे चुनाव हारे मैंने, मगर जो माहौल अब की बार इस चुनाव में मुझे नजर आ रहा है, सही मायने में मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, ऐसा चुनाव आज तक मेरी जिंदगी में नहीं आया। मैंने 2000 में पहला चुनाव लड़ा और 2000 से आज 2019 यानी कि 19 साल में 20 साल ही हो गए समझो, क्योंकि पहला चुनाव था वो फरवरी में था, अब ये अक्टूबर में है, लगभग 20 साल हो गए मेरे को चुनाव लड़ते हुए। ईमानदारी से कह रहा हूँ कि इतना बढ़िया मौका, इतना बढ़िया एटमोसफेयर, इतना बढ़िया वातावरण और इतनी जनता का आशीर्वाद मुझे आज तक नजर नहीं आया, जो अब की बार जो वातावरण मुझे देखने को मिल रहा है चुनाव में। अब की बार 75 पार का बीजेपी ने एक नारा दिया, नैरेटिव दिया है, हांसी की सीट को लेकर 76 पार हो जाएगा? 76 पार नहीं, आप देखना एक बार जब रिजल्ट आएंगे सारा हरियाणा मतलब ये सोचेगा ये क्या हुआ, ये तो 75 कह रहे थे, ये तो 85 ले गए। ईमानदारी से कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा हरियाणा भाजपा में हो गया, हर व्यक्ति चाहता है कि भाजपा की सरकार। आप, मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको, जब पार्लियामेंट के चुनाव शुरू हुए तो ये जो भाजपा के विरोधी लोग हैं ये कह रहे थे कि 200 सीट आएंगी बड़ी मुश्किल से, आपको याद होगा। मगर जो रिजल्ट आए तो 303 सीट आई भाजपा की, पिछली बार से भी ज्यादा सीट आई। ये एक अपने आप में उदाहरण है कि जब किसी की सरकार हो, दोबारा सरकार तो बन जाती है, मगर पहले से ज्यादा सीटें लेकर के सरकार बनाना ये बहुत बड़ी बात है और ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया और वही अब श्री मनोहर लाल जी खट्टर पिछली बार संता। कहते हैं कि सेंटर के अपने मुद्दे होते हैं, छदम राष्ट्रवाद पर चुनाव लड़ा गया है सेंटर में और स्टेट के अपने इश्यूज होते हैं, क्या स्टेट के इश्यूज में बीजेपी उलझ कर तो नहीं रह जाएगी? नहीं, स्टेट के इश्यूज क्या है, सबसे पहले हर आदमी ये चाहता है कि मुझे पारदर्शी शासन चाहिए कि ये शासक लोग कर क्या रहे हैं जी, जी। ये हमारे मंत्री और मुख्यमंत्री एमएलए कर क्या रहे हैं जी। एक तो पारदर्शी शासन हर व्यक्ति चाहता है, एक ईमानदार सरकार हर व्यक्ति चाहता है, कि हर आज व्यक्ति चाहता है कि ईमानदार सरकार हो, पारदर्शी शासन हो, कुछ भी लुकोया छुपोया ना जा सके, बिना खर्ची बिना पर्ची जो आपने देखा अब नियुक्तियां हो रही हैं, इससे लोग इतने प्रभावित हैं कि वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना चाहते हैं और दोबारा से मनोहर लाल खट्टर जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। हांसी पर्टिकुलर पिछले दिनों बड़ा हाशिए पर आ गया था विकास कार्यों के लिए, आपसे भी अछूता नहीं है क्योंकि हांसी के लिए आपका दिल धड़कता है, क्योंकि हांसी के लिए बतौर सीडीएस आपने काम भी बहुत किया है और पिछले 5 सालों में हांसी में कोई ज्यादा विकास कार्य नजर नहीं आया और बदहाली की तरफ था, जो आप एक्नोलेज भी करेंगे आप जानेंगे, इसके जिम्मेवार सीधे सीधे किसको ठहराते हो? मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ठहराते हो या विधायक मौजूदा विधायक जो रही कांग्रेस के जनों को निश्चय को ठहराते हो?
देखिए राजीव जी, आप जर्नलिस्ट हैं, आप समझदार हैं, इसके बारे में मेरे से ज़्यादा आप भी जानते हैं कि किसी भी काम की जिम्मेवारी, विकास की जिम्मेवारी एक विधायक की होती है। सरकार की जिम्मेवारी जरूर होती है, मगर सरकार तक उस इलाके की समस्याएं पहुंचाने का काम विधायक का होता है। विधायक जनता और सरकार के बीच में कड़ी होता है, जो जनता की आवाज़ सरकार तक पहुँचाए। ये सबसे हमारा बड़ा दुर्भाग्य रहा कि जो पिछले 5 साल में हमारी विधायक चुनी गई, उसने कभी हमारी समस्याओं को जाना नहीं, हमारे बीच में आई नहीं जी, सरकार तक हमारी आवाज़ उठाई नहीं। यहाँ तक इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि वो विधानसभा में अगर आप उसकी चेक करें तो 40-45% से फालतू हाजिरी है। विधायक की ड्यूटी होती है कि 6 महीने में एक बार सेशन होता है, सेशन में तो कम से कम जाएगा, मतलब उसने सेशन में जाना भी उचित नहीं समझा, तो जिसके लिए मैं सीधा सीधा दोषी इसके लिए विधायक होता है। अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ती है तो आप उनको चैलेंज देंगे क्या? हालांकि टिकट का अभी फाइनल नहीं हुआ है, और वो तकरीबन ऐसे हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ कि वो बैकआउट भी कर देंगे अगर बाय द वे यहाँ आते हैं तो क्या हाल होगा? मैं आपको एक सीधी सी बात बता देता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने एक फैसला लिया है कि उनके जितने विधायक हैं सबको वो टिकट देंगे और दी है, सिटिंग एमएलए जितने विधायक हैं उनको टिकट देंगे और टिकट दे दी। मगर एकमात्र जो मैं समझता हूँ हंसी की विधायक रेणुका बिश्नोई है, जिन्होंने टिकट लेने से साफ मना कर दिया। ये अपने आप में आपके पास उदाहरण है कि वो क्यों नहीं लड़ना चाहते। अगर फायदा भी आ जाते हैं मैदान में तो मोस्ट वेलकम आप जोड़ के कहूंगा कि जरूर आइए और लड़िए, और आपको पता चले कि आपने हंसी में क्या किया है और हंसी की जनता आपसे कितनी खुश है या कितनी परेशान है आपसे। विनोद भ्याना का दिल धड़कता है हंसी के विकास कार्यों के लिए, आप सीपीएस रहे, आगामी योजना क्या रहेगी कि हमने आपको मान लिया विधायक बन गए, आप मंत्री बन गए, आपका अपना एक कद है, एक अपना रुतबा है, आपके अपने व्यक्तित्व है, तो हंसी के अधूरे कामों के लिए क्या क्या आपने प्लानिंग बनाई है, आपकी योजना क्या है? मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, जैसा कि आपने कहा कि विकास के लिए दिल धड़कता है, मैं जब यहाँ के युवा बेरोजगारों को देखता हूँ जी, तो मेरे दिल में एक पीस पैदा होती है कि इनके हमारी बदकिस्मती रही, चाहे मैं सीपीएस रहा चाहे मुझसे पहले भी मंत्री रहे, इन युवाओं की तरफ किसी ने देखने का प्रयास नहीं किया, या किया हो तो वो कामयाब नहीं हो, उसमें मैं नहीं हूँ, मैं किसी का विशेष नाम नहीं ले रहा। मगर अब मेरे दिल में ये है कि अगर हंसी की जनता मुझे विधानसभा में भेजती है, मेरी सबसे पहली प्रेफरेंस ये रहेगी कि इन युवाओं के लिए मैं कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हंसी में लेके आऊँ, ताकि हमारे यहाँ के युवाओं को रोजगार के साधन मुहैया हो सकें, नंबर एक। नंबर दो, जैसा कि आपने बताया कि हंसी में पिछले 5 साल से विकास नहीं हुए और हंसी शहर एक गंदगी का ढेर बन के रह गया, और हम जब भी किस बाजार से निकलते हैं, गली से निकलते हैं, मोहल्ले से निकलते हैं, ईमानदारी से कहता हूँ, नाक ढक के निकलना पड़ता है, कई जगह तो ऐसी पोजीशन है, और वो जगह आम जगह नहीं है, वो ऐसी जगह है जो हर्ट ऑफ द सिटी है, वहाँ हमें बड़ा लज्जित होना पड़ता है कि हमारे हंसी शहर का क्या हाल हो गया। तो मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ कि दूसरा मेरा जो सर्वोपरि काम रहेगा, हंसी शहर को एक साफ सुथरा और बढ़िया एक मॉडल सिटी, यहाँ सीवर की व्यवस्था दुरुस्त करवाना, यहाँ टूटी हुई सड़कें ठीक करवाना, यहाँ पानी का प्रबंध करना, यहाँ बिजली ठीक ठाक हो, यहाँ निकासी पानी की स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन का, ये सारा सिस्टम मैं अगले 5 साल में, भगवान ने मुझे अगर भेजा विधानसभा में हंसी की जनता की मेहरबानी से, तो मैं अवश्य, दूसरी मेरी इच्छा ये है कि मैं शहर को एक अच्छा अति सुंदर शहर बनाऊँ। तीसरा जो मैंने कहा, एक हमारे यहाँ युवाओं के लिए स्टेडियम, प्रतिभाशाली हमारे युवा हैं, खिलाड़ी हैं, मगर उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ वो प्रैक्टिस कर सकें, अपनी प्रतिभा को निखारने का काम कर सकें। यानी कि एक मेरा मन में है कि यहाँ एक बहुत अच्छा बड़ा स्टेडियम हंसी शहर में बने। और चौथा मेरा है कि हंसी शहर की आम जनता की आवाज़ है कि हंसी को जिला बनाया जाए, तो मैं हंसी शहर, हंसी को जिला बनाने का भी पूरा प्रयास। यानी कि जिले की आवाज़ को आप ऊपर उठाएंगे विधानसभा में, या इसको अमली जामा पहना देंगे? अमली जामा पहनाना होता है सरकार में, तो मेरा ये प्रयास रहेगा, और मुझे, मैं इस विश्वास पे के साथ कह सकता हूँ कि मेरा प्रयास विफल नहीं होगा। आप जनता जनार्दन से कमिटमेंट कर रहे हैं चुनाव से पहले? मैं बिल्कुल, जो बात मैं कह रहा हूँ उन बातों पे 100% खरा हूँ। ये तोहफा होगा आपकी तरफ से जिले में।
बिहाना जी, 1,100 बीमार, बड़ी कश्मे 10 से आपकी तरफ मिली आपको भारतीय जनता पार्टी की, कुछ यानी कि पार्टी में ही विपक्ष पक्ष के लोगों ने पक्ष का रूप भी धारण किए हुए, कुछ नाराजगी भी व्यक्त किए हुए, थोड़ा बहुत आज भी हमने प्रदर्शन को देखने को मिला कुछ लोगों द्वारा जन्म किया। तुम रूठों को बनाने के लिए क्या अजी रूठ कर किधर जाइएगा, किधर जाइए? कोई नहीं, दो दिन का गुस्सा है, दो दिन का गुस्सा है, सब शांत हो जाएगा। मैं सबको हाथ पैर जोड़ के मना लाऊंगा, कोई ऐसी बात मना लाऊंगा, बिल्कुल मना रहे, हमारे भाई हैं, वो कहाँ जाएंगे। आप एक किसान के बेटे हैं, बुहारी गांव में आपने किसानी भी की है, किसान के लिए भी आपका दिल धड़कता है, एक छोटे व्यापारी भी हैं, आपके पिताश्री भी बहुत यानी सरपंच भी रहे, आप भी सरपंच रहे, आपने जमीन से जुड़ी हुई थी, तो 36 बरादरी में आपकी लोकप्रियता किस तरह से बनेगी, किस तरह से बरकरार रखे हुए हैं आप, कैसा करते हैं? यानी कि आप पे कोई टैग नहीं है कि आप पर्टिकुलर कम्युनिटी के हैं, तो आप पे कभी भी ऐसा नहीं लगा, तो ये कैसे आपने आपको मेंटेन किया है? ये कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ मैं आपको, आप इस कॉम्प्लीमेंट को स्वीकार कीजिए और एलोबरेट कीजिए। धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा। बाकी मैं सही बताता हूँ कि मेरे मन में कभी किसी जाति के प्रति जाति पाति की बात नहीं आई, कभी धर्मवाद की बात नहीं आई। मैं हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी बिरादरी का हो, किसी जाति का हो, बराबर मान सम्मान देता हूँ। और वो भी किसी भी बिरादरी के लोग हैं, वो भी मुझे अपना भाई जान के, वो भी कभी बिरादरीवाद की बात नहीं करते। जब मैं नहीं करता तो वो बिल्कुल भी नहीं करते, तो यही एकमात्र कारण है। मतलब इंसान खुद अगर ठीक है तो उसके लिए सारी दुनिया ठीक। चुनाव में अपने आप को आश्वस्त कर देना होता है, झोंक देना होता है। सुबह आपकी क्या दिनचर्या रहती है? सुबह उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पहले तो मुझे मैं भी घूमने जाता हूँ, मुझे मिल जाया करते थे, तो लेकिन आप दिनचर्या कैसे रहती है? रात को कितने बजे उठते हो और सोते हो, और कितने बजे सुबह उठते हो? मैं कोई विशेष नहीं, रात के 12 बजे सो जाता हूँ, सुबह 5 बजे उठ के नहा धो के पाठ पूजा करके फारिग हो जाता हूँ और अपने काम के लिए निकल जाता हूँ। हमारे जो सुदान भाभी जी हैं, जो आपके बेटर हाफ हैं, उनका सहयोग कितना मिलता है? जी उन्हीं के सहयोग से आज तक यहाँ पहुँचा। देखिए जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं ये बात मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि मैं जो भी यहाँ तक पहुँचा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ उस देवी के कारण पहुँचा हूँ। अगर रात के 12 बजे भी मैंने उसको कह दिया कि 15 लोग आए हैं, ईमानदारी की बात है, उठ के सर्दी का मौसम हो, दिसंबर जनवरी ऐसे दिन मेरे पास आए, दिसंबर जनवरी के दिन है, सर्दी का मौसम है, रात के 12 बजे 20 लोग आ गए और मैंने कहा उठो जी खाना बनाओ, रात के सर्दी के मौसम में रात के 12 बजे 20 वो ऐसी धरा से है जहाँ कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था, मथुरा से हमने, जैसे कि मैंने आपका इतिहास बताया मथुरा से है, तो कृष्ण भक्ति में कितना तल्लीन रहते हैं आप दोनों? नहीं, भगवान को तो देखो जी, हम मानने वाले इंसान हैं, भगवान की भक्ति भी करते हैं, वो थोड़ा ज्यादा कर लेती होंगी, मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ, मगर ठीक है। चलो एक आखिरी प्रश्न पूछता हूँ, अब टिकट डिक्लेयर होनी है कांग्रेस की, जेजेपी की उम्मीदवार सामने आने हैं, एक एक आपको भी नजर आएंगे, तो आप कांग्रेस जेजेपी जैसे लोजपा है उसका भी उम्मीदवार सामने आ गया, हरिराम सैनी है, कांग्रेस का भी डिक्लेयर करना है, इनमें सबसे ज्यादा कंटेंसस किसको मानते हैं आप? देखिए कांग्रेस को मानते हैं, जेजेपी को मानते हैं, या इन एलो का भी अभी आने वाला है? राजीव जी, मैं तो जब बता पाऊंगा कौन सी पार्टी किस कैंडिडेट को किस खिलाड़ी को मैदान में उतारती है, जब खिलाड़ी आमने सामने आएंगे तो ही पता चलेगा कि कौन कॉन्टेस्ट में आ सकता है। बाकी मैं आज आपको अपने विश्वास के साथ कह सकता हूँ, खिलाड़ी जो मर्जी सामने आए 24 तारीख को सारे के सारे खिलाड़ी धराशायी होंगे और सबकी जमानत जब्त होगी, केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार। आप जब पहला चुनाव जीते थे कितने वोट जीते? मैं लगभग 7,000 वोट। इस बार क्या आंकड़ा कितना? मुझे तो लगता है कि 30,000 वोट से पार। धन्यवाद विनोद भ्याना जी, आप हमारे चैनल पे आए, आपने हमने आपके अनछुए पहलुओं को भी छुआ, कुछ पारिवारिक पृष्ठभूमि भी आपके जानी,
और आपकी बेटर हाफ जो अर्धांगनी है उनका भी सहयोग आपको मिलता रहता है, जनता का बरबर सहयोग आपको मिल रहा है। और आपने कहा कि रूठों को भी मना लेंगे, रूठे हैं तो मना लेंगे, क्या बड़ी बात है तो अपनी ही पार्टी के, और विरोधियों का सामने आना उसके बाद ही रणनीति तय की जाएगी कि कौन कैसा है। लेकिन विनोद भ्याना जी बड़े अस्वस्थ हैं कि वो 30,000 से ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगे, 36 बरादरी का इनको प्यार स्नेह और मोहब्बत मिल रही है। तो हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हमारे चैनल पे आए। मित्रों, हांसी की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपने हमें बहुत मोहब्बत दी है, स्नेह दिया है, प्यार दिया है, और पर बस आप हमसे लगाव भी रखते हैं क्योंकि हम एक से एक बढ़कर आपके लिए कार्यक्रम लेके आते हैं और चुनावी चर्चा भी करवाएंगे और सभी की डिबेट भी करवाएंगे। विनोद भ्याना जी को कहीं जाना है, हम इनसे विदा चाहते हैं।